में ईडी की चार्जशीट में बड़ा खुलासा हुआ है। चार्जशीट में छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का भी नाम शामिल है। ईडी ने 5 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दायर की है, जिनमें शुभम सोनी, अमित कुमार अग्रवाल, रोहित गुलाटी, भीम सिंह और असीम दास का नाम है। ईडी की चार्जशीट में बताया गया है कि गिरफ्तार किए गए आरोपी असीम दास महादेव बैटिंग ऐप के प्रमोटर के लिए भारत में कूरियर का काम करता था। उसके ठिकानों से हाल ही में रेड कर करीब 5,39,00,000 रुपए बरामद किए गए थे। इसके बाद उसकी गिरफ्तारी हुई। आरोपी असीम दास ने एजेंसी को बताया कि ये पैसा हाल ही में छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस के नेता और प्रदेश के पूर्व सीएम भूपेश बघेल के लिए भेजे गए थे। असीम दास ने यह भी कहा था कि महादेव बैटिंग ऐप के प्रोमोटर्स की तरफ से भूपेश बघेल को कुल 508 करोड़ रुपए दिए गए। अब इस मामले में जांच जारी है, देखना होगा आगे क्या कुछ होता है। बहरहाल खुलासे हैरान करते हैं, चौंका रहे हैं। जो आरोपियों के नाम सामने आए वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। आरोपी असीम दास ने एजेंसी के सामने कई दावे किए हैं। पूछताछ का सिलसिला जारी है। चुनाव के दौरान भूपेश बघेल को पैसे दिए गए, इसका उसने जिक्र किया है।